गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। आज हम लोग हमारे वीडियो में जो हमारे शैक्षणिक स्तर 2021-22 का जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे। 9 से 12 क्लास के लिए जो इंग्लिश की अंग्रेजी की जो पाठ्यक्रम है, रिड्यूस सिलेबस है, उसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों को इससे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और पता चलेगा कि सिलेबस क्या कम किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास 9th की बात करेंगे इंग्लिश की, फिर 10th की, फिर 12th की और 11th की भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th की देखते हैं, इंग्लिश की रिड्यूस सिलेबस। तो आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लास 9th का जो बीहाइव बुक है, बीहाइव जो बुक है, ठीक है, उसको हम लोग पहले एनालाइज करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हमें पढ़नी है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है उसको हमको पढ़नी है, द फन दे हैड, ये हमको पढ़ना है। देखिएगा फ्रेंड्स एक चीज यहां पे कि जिसमें जिसमें यहां पे यस लिखा हुआ है, यहां पे जिसमें जिसमें यस लिखा हुआ है वो हम लोगों को पढ़ना है और जिसपे नो लिखा हुआ है वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग देख लेते हैं किस पे यस लिखा हुआ वो हमको पढ़ना है। तो जैसे फर्स्ट जो चैप्टर है द फन दे हैड, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद द रोड नॉट टेकन, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद द साउंड ऑफ म्यूजिक जो बिस्मिल्ला खान का है, ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद विंड सुब्रमण्या भारती, ये जो विंड है हवा सुब्रमण्या भारती के द्वारा लिखा गया, उसको पढ़ना है। ठीक है, फिर जो लिटिल गर्ल है उसका, इसको पढ़ना है। द रेन ऑन द रूफ, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये भी पढ़ना है। उसके बाद नो मैन आर फॉरेन, ये भी पढ़ना है। फिर उसके बाद रिच फॉर द टॉप, ये भी हमें पढ़ना है। ऑन किलिंग अ ट्री, इसको भी पढ़ना है। फिर अ लेजेंड ऑफ थॉर नॉर्थलैंड, इसको भी हमें पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखिएगा, माय चाइल्डहुड, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना तक पढ़ना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहां से लेके यहां तक सारा नो नो लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि माय चाइल्डहुड के बाद ये आपको यहां से लेके यहां तक नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से ये सारा हटा दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो हमारा सेकेंड बुक है क्लास 9th के इंग्लिश का, जिसका नाम है मोमेंट्स, उस पर आते हैं। ठीक है, इस पर अगर देखा जाए तो जो पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, ये हमें पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जहां जहां यस लिखा हुआ है वहां हमें पढ़ना है, जहां नो लिखा हुआ उसको हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये भी हमें पढ़ना है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये भी पढ़ना है हमें, इसको भी पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद द लास्ट लीफ, ये भी हमें पढ़ना है, चार पढ़ लेना है। पांचवा जो हैप्पी प्रिंस है इसको हमें स्किप कर देना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वेदरिंग इन द स्टॉर्म इन एयरसामा, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हाउस इज नॉट ए होम, इसको नहीं पढ़ना है। फिर ये देखिए द एक्सीडेंट टूरिस्ट, एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये नहीं पढ़ना है। द बेगर, ये भी नहीं पढ़ना है। मतलब जो जो नो लिखा हुआ है उसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पैसेज पे आते हैं। तो पैसेज पे आप लोगों को क्लास 9th को दोनों तरह के पैसेज पढ़नी है, फैक्चुअल पैसेज भी और डिस्कर्सिव पैसेज भी, दोनों पैसेज पढ़नी है। ठीक है, लेटर्स में आप लोगों को फॉर्मल लेटर्स भी पढ़ना है, इनफॉर्मल भी पढ़ना है और पैराग्राफ राइटिंग भी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, इसके बाद ग्रामर सेक्शन आता है,
ग्रामर सेक्शन में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी चीज़ें पढ़नी, जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है सभी पढ़नी है। टाइम एंड टेंस पढ़नी है आपको, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स पढ़नी है, फिर डिटरमाइनर्स पढ़नी है, एक्टिव पैसिव पढ़नी है, क्लॉज पढ़ना है, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इतना सब कुछ पढ़ लेना है। तो ठीक है, ये क्लास 9th का सेक्शन था इंग्लिश का। अब हम लोग क्लास 10th की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं और 10th का इंग्लिश का हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास 10th को डिस्कस करते हैं इंग्लिश का, ठीक है। ये फर्स्ट बुक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिस बुक का नाम है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। उसी तरह से जिसमें यस लिखा हुआ है वो सारी चीज़ हमको पढ़ लेनी है, जिसमें यस नहीं लिखा हुआ है वो हम नहीं पढ़ेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यस लिखा हुआ ये सारा में, ठीक है। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे, पोएम है, ठीक है। उसके बाद फायर एंड आइस पढ़ेंगे, उसका नेल्सन मैंडेला पढ़ेंगे, फिर अ टाइगर इन द जू पढ़ेंगे, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल ये भी पढ़ना है, उसके बाद द बॉल पोएम इसको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम डायरी ऑफ एने फ्रैंक इसको भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि अमांडा नहीं पढ़ना है, हमें अमांडा को स्किप कर देना है, और द 100 डेज पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को स्किप कर देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स को पढ़ना है, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, द ट्रीज को हमको कवर करना है, मेजबिल द ऑटर ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे नो लिखा हुआ है, देखिए जो यस यस लिखा हुआ है वही पढ़ना है, ठीक है। फॉग नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ नो है। उसके बाद मैडम राइड्स द बस ये हमें कवर करनी है, ये पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद 19 और 20 ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना है, और उसके बाद फिर 21 और ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए हमारा जो सेकंड बुक है यहाँ पे, सॉरी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड बुक का नाम है वो गलत दे दिया गया है, मोमेंट्स नहीं होगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये है। तो इसमें हमें यहाँ से यहाँ तक जितने सारे यस दिए हुए सारे को पढ़ना है, जैसे ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ना है, द थिप्स स्टोरी पढ़ना है, मिडनाइट विजिटर पढ़ना है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ना है, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसको भी पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इसको हमको पढ़ना है। उसके बाद ये दो चैप्टर हैं, ठीक है, एक द नेकलेस ये नहीं पढ़ना है आपको, द हैक ड्राइवर भी नहीं पढ़ना है आपको, फिर भोली को पढ़ना है, ठीक है, और द बुक दैट सेव द अर्थ ये भी हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए उसके बाद हम लोग पैसेज की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पैसेज में दोनों तरह के पैसेजों को क्लास 10th को पढ़नी है इस साल, फैक्चुअल पैसेज को भी और डिस्कर्सिव पैसेज दोनों को, ठीक है। उसके बाद लेटर्स में आप लोग देख सकते हैं कि इनफॉर्मल लेटर आप लोगों को नहीं पढ़ना है इस साल, फॉर्मल पढ़ना है और पैराग्राफ राइटिंग दोनों पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग ग्रामर सेक्शन में देखते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में अगर देखें तो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको आपको कवर करना है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका टेंस है, ठीक है, आपको टेंस भी कवर करना है, सीक्वेंस ऑफ टेंस कवर करना है, मॉडल्स कवर करना है, नॉन फाइनाइट क्लॉज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद चेंज द सेंटेंसेस, ये सारे जो हैं आपको पढ़ लेना है, ठीक है, सब में यस है तो सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें से आपको ग्रामर पोर्शन के और लिटरेचर पोर्शन के भी, प्रो सेक्शन के भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ग्रामर में आपको टेंस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, ये सब का अभी वीडियोस मिल जाएगा, और मैं आने वाले समय में और भी वीडियोस इसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें मेरी वीडियोस में आपको मेरे चैनल पे ट्रम्प ऑफ सर्जरी ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल पे जाके सिंपली वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं क्लास 11th की। तो क्लास
क्लास इलेवेंथ की हम लोग देखेंगे इंग्लिश, क्लास इलेवेंथ की इंग्लिश की जो रिड्यूस सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास इलेवेंथ की। क्लास इलेवेंथ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग इंग्लिश कोर, इंग्लिश कोर को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश कोर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ठीक है, नोट मेकिंग एंड समरी पढ़नी है, शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन पढ़ना है, पर्सनल रिस्पांस भी पढ़ना है, उसके बाद नोटिस पोस्टर मेकिंग एडवर्टीजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको लेटर्स टू एडिटर्स पढ़नी है, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर, ये तीनों आपको पढ़ना है। उसके बाद रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, यहाँ ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ग्रामर सेक्शन में हम लोग देखें, अगर क्लास इलेवेंथ की इंग्लिश की बात करें, कोर इंग्लिश की, तो इसमें आपको डिटरमाइनर्स पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, क्लॉज पढ़ना है, मॉडल्स भी पढ़ना है, ठीक है, एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, रीऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंस पढ़ना है, और एरर करेक्शन एडिटिंग टास्क, इसको भी पढ़ना है, ठीक है, मतलब सारे आपको ग्रामर पोर्शन से पढ़ने होंगे। उसके बाद बात करें टेक्स्ट बुक जो है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल से क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। हॉर्नबिल से आपको पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ना है, ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये भी आपको पढ़नी है। उसके बाद द सागा कंटिन्यूज, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लैंडस्केप ऑफ सोल, ये आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है, मैं सारा कवर करवाऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे। चलिए, तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। और चलिए अब आगे देखते हैं, द अलाइन प्लेनेट, ये भी हमें पढ़नी है, ठीक है, द ब्राउनिंग वर्जन, इसको भी पढ़ लेनी है, एडवेंचर नहीं पढ़नी है, सिल्क रोड पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोएट्री पे आते हैं, तो पोएट्री सेक्शन में अगर देखा जाए तो पोएट्री में सिर्फ यहाँ पे एक पोएट्री द लेवेंडम टब को नहीं पढ़ना है, बाकी सारे पोएट्रीज को पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, एक और टेक्स्ट बुक जो है क्लास इलेवेंथ के कोर इंग्लिश के लिए, तो वो है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में क्या पढ़ना है, स्नैपशॉट में द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये पढ़नी है आपको, ठीक है, द एड्रेस पढ़ना है, रंगाज मैरिज पढ़ना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल पढ़नी है, मदर्स डे नहीं पढ़नी है, ठीक है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड नहीं पढ़नी है, बर्थ पढ़नी है, और द टेल ऑफ मिलन सिटी, ये भी नहीं पढ़नी है, ठीक है, आ रही है समझ में बात। चलिए, तो ये थे क्लास इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस। आप लोग मेरी वीडियोस पे जाके, मेरे चैनल के वीडियोस पे जाके बहुत सारे वीडियोस को वहां से देख सकते हैं, ठीक है, ग्रामर पोर्शन के बहुत सारे हैं, और भी मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्लास 12 के इंग्लिश की, क्लास 12 के इंग्लिश रिड्यूस सिलेबस क्या है हमारे पास, वी विल सी। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहां पे जो जो यस लिखे हुए हैं ये सारे चीज हमें पढ़नी है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, ये भी आपको पढ़नी है, लेटर्स में आपको लेटर्स टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर, दोनों लेटर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग पढ़नी है, आर्टिकल राइटिंग पढ़नी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक जो है हमारा फ्लेमिंगो, प्रोज हम लोग देख लेते हैं, हमारे क्या क्या प्रोज हमें पढ़नी है, द लास्ट लेसन पढ़नी है, लॉस्ट स्प्रिंग जो है ये पढ़ना है, डीप वाटर पढ़ना है, द रेड ट्रैप पढ़ना है, इंडिगो पढ़ना है, लेकिन पॉइंट्स एंड पेनकेक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है, इंटरव्यू नहीं। तो बात करते हैं पोएट्री की, पोएट्री में माय मदर एट 66 ये पढ़नी है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसको पढ़ना है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट को पढ़ना है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी को पढ़ना है, रोड साइड स्टैंड को भी पढ़ लेना है, ठीक है, लेकिन आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करें नेक्स्ट बुक की, जो एक और बुक है हमारे पास जिसका नाम है विस्टास, उसमें देखेंगे फर्स्ट जो चैप्टर है द थर्ड लेवल नहीं पढ़ना है, द टाइगर किंग पढ़ना है, ठीक है, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ ये भी पढ़ना है, द इनेमी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं शूट विजार्ड हिट मॉमी, ये भी पढ़ना है, ऑन द फेस ऑफ इट इसको पढ़ना है, इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल ये छोड़ देना है फ्रेंड्स, नहीं पढ़ना है। उसके बाद मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये भी पढ़नी है,
और कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ये भी पढ़ना है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स इसको भी पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे क्लास 9 से लेके 12 तक के इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोगों को क्लास 12 के, क्लास 11 के, क्लास 9 के और 10th के सारे इंग्लिश के वीडियोस जो यहाँ पे दिए हैं सरकार ने, वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग चैनल पे जाके अपने अपने क्लास का वीडियोस और क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन आंसर मैंने वहाँ पे रखा है, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो काइंडली मेरे चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और आप लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।